और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष को यह झटका लगाया और हिंदू पक्ष के लोग खुशी से इस वक्त झूमते दिखाई दे रहे हैं। याचिका खारिज हो गई है मुस्लिम पक्ष की, तो एक तरफ तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सफलता मिली है, उधर मथुरा में भी एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है। अयोध्या का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। न्यूज 18 इंडिया के रवि सिंह इस वक्त मौजूद है अयोध्या में, और ज्ञानवापी के फैसले पर अयोध्या में साधु संत क्या कह रहे हैं, क्या उनका रुख है, क्या वो खुश है, क्या वो कह रहे हैं, तमाम बातें जानने के लिए सीधा मैं रुख कर लेती हूँ रवि सिंह का। अयोध्या का माहौल आपको रवि दिखाएंगे। रवि, एक तरफ है देखिए राम मंदिर को लेकर यहाँ पर अयोध्या में तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और अगले महीने यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना, और दूसरी तरफ वाराणसी से बड़ी खबर आई ज्ञानवापी को लेकर, और तमाम जो मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं थी उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो ये अब पूरा का पूरा पक्ष मुस्लिम पक्ष के विरोध में और हिंदू पक्ष के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर साधु संत हमारे साथ में कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब राम मंदिर को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं उस बीच में वहाँ से वाराणसी से जो खबर आई है, और अब होता ये दिख रहा है ज्ञानवापी को लेकर कि हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला होता हुआ दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है वो भगवान की इच्छा से होती है, जो भी कुछ हुआ सब भगवान की इच्छा से हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि वहाँ पे हिंदू मंदिर की स्थापना हो, जो शिव मंदिर था उसकी स्थापना हो, जो पुराने राजाओं ने, जो पुराने शासकों ने मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे अपनी इमारतें बनवाई थी उसको, उसकी जगह पे मंदिर का पुनर्निर्माण हो, यही भगवान की इच्छा है। इसी वजह से ये कई दशकों से ये मामला चल रहा है, लगातार कई याचिकाएं दायर की गई लेकिन आज हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये भगवान की तरफ से फैसला बहुत अच्छा हुआ है, और ये पहले से भी पुरातन से भी चला आ रहा है, वहाँ पुरातन से भी वहाँ खुदाई में पाए गए हैं तब हिंदू मंदिरों के अवशेष, इसलिए वहाँ जो है बहुत अच्छा फैसला आया हुआ है, और इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद है, योगी सरकार को धन्यवाद है। योगी जी जो स्वयं एक साधु हैं, उनको लिए इस, उनको समस्त साधु समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रयासों से ये जो भी हुआ है ये सब मोदी और योगी सरकार के प्रयासों से हुआ है। देखिए, भारतीय सत सनातन धर्म में जो हमारा ज्ञानी सत ऋषि मुनि लोग आगे बढ़कर कहे हैं, इसको सभी को मानना पड़ेगा, और हमारी राम जन्मभूमि है, दूसरा हम लोग का मांग है हिंदू राष्ट्र की। तो यहाँ पर खुशी का माहौल है, और इनका कहना है कि भगवान की इच्छा है, और लगातार जो साधु संत है उनमें खुशी का माहौल है।